वेलकम बैक टू डॉक्टर अब्बा केमिस्ट्री पाठशाला होप ईच वन ऑफ यू इज डूइंग वेरी फाइन सो माई टूडेज़ टॉपिक इज़ आई पैक सो ऑल द स्टूडेंट्स हु लाइक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आर गोइंग टू लव दिस टॉपिक ना आई टेल यू एक होता है आपका कॉमन नेम एक होता है आपका आई पी एस सी सो जो हम इस वीडियो में सिर्फ आई पैक के रूल्स करेंगे कॉमन नेम्स को हम कभी बाद में लेंगे और यस uh, yes. एक वीडियो में यू नो आई आई वॉन्ट गिव यू रॉन्ग पिक्चर एक वीडियो में पूरा आई पैक कवर करना इज़ नियरली इम्पॉसिबल सो वी आर गोइंग टू डू इज इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू गिव यू दिस सर्टेन गाइडलाइन सर्टेन रूल्स आप उनको फॉलो करिए और फिर इसके बाद आप वर्कआउट करिए और कमिंग वीडियोस में इसके जो मैं पार्ट्स बनाती हूँ उसमें मैं एक एक फंक्शन ग्रुप सेपरेट ले लूँगी आपको एक चीज बता दें जैसे एक नाम में कितने हिस्से होते हैं एक नाम का आप एक होता है यू नो फैमिली नेम होता है आपका प्रॉपर नाम होता है और कुछ यू नो मिस डॉक्टर मिसेज यू नो उस तरह से लगाते हैं तो आप अगर चाहो तो एक आयु नेम को भी उसी तरह से तोड़ सकते हैं और हर आयोपै नेम में आप दो चीज़ें जरूर ढूंढेंगे क्या ची? एक तो नंबर ऑफ कार्बन ऐटम कितने कार्बन एटम से वो चीज़ बनी हुई है ठीक है तो एक हम उसके लिए रूट वर्ड करते हैं और रूट वर्ड के बाद में सफिक्स होता है बेटा एक प्राइमरी सफिक्स जो कि एन या फिर इन या आइन या फिर इन और आयन का कॉम्बिनेशन इसके ऊपर एक अलग से वीडियो है ये आप आई बटन में भी देख सकते हैं और मैं उसका लिंक भी डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सो so, दैट ऑल्सो यू नो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ये तो हो गए दो बेसिक चीज़ें इनके बिना कोई आयू पैक हो ही नहीं सकता है ओपन चेन कंपाउंड का एलिफेटिक कंपाउंड्स का आयू पैक इनके बिना नहीं हो सकता है अच्छा अब हम आगे चलते हैं आपने लिखा रूट ले लिया जड़ तो हर चीज़ की होती है रूट अपने को चाहिए ही चाहिए आफ्टर नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स आपने लिया प्राइम प्राइमरी सफिक्स उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन आपके कंपाउंड के अंदर कितने फंक्शन हैं मिनिमम एक फंक्शन ग्रुप होगा अगर वो हाइड्रोकार्बन नहीं है तो अगर वो फंक्शन ग्रुप है तो आपको उसका सफिक्स नाम बताना होना चाहिए जैसे कि अल्कोहल का ऑल अल्डिहाइड का अल so, है ना सो सिंपल है हैलोजन का ईथर्स का कोई सफिक्स नेम नहीं है कोई सफिक्स नेम नहीं है राइट right? सो so, कुछ फंक्शन ग्रुप्स ऐसे भी है जिनका कोई सफिक्स नेम नहीं है क्योंकि इफ़ वी वी यू वी फॉलो आई यू पैक नॉम ट्रेचर दे आर एज लोकेंट्स दे आर एज सबसीच्स तो आपने सभी फंक्शन ग्रुप्स के राइट right, मैं यहाँ पर एक लिस्ट लगा दी है मैंने आप इसका एक स्क्रीन शॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके इस लिस्ट को अच्छे से देखिए राइट right. ये रूल uh, ये आपका लिस्ट है विद द सफिक्स नेम्स इनफैक्ट आप अभी मैं इसको फिर से आपको बताने वाली हूँ इन माई वेन वी गो टू द स्क्रीन सो आपने सबके सफिक्स नेम याद रखने हैं और एक चीज़ जो आपको याद रखनी है बहुत ज़रूरी है प्रीफ्रेंस सीरीज आप जिस फंक्शन ग्रुप का आई पैक लिख रहे हो वेयर डज वे डिस्टैंड उसके साथ जो फंक्शन ग्रुप्स हैं वो मेन फंक्शन ग्रुप्स में आते हैं या लोकेंट में आते हैं तो डिपेंडिंग अपॉन द प्रायरिटी आपको एक फंक्शन ग्रुप को मेन फंक्शन ग्रुप लेना है जिसके बेसिस पे कंपाउंड का नाम होगा उसके अलावा कितने भी फंक्शन ग्रुप्स दिए हुए हैं वो सारे के सारे लोकेंट्स बन जाते हैं ठीक है सो मैं यहाँ पर बहुत लंबा नहीं डिस्क्राइब करूँगी आई थिंक बेस्ट इज टू do it so let's move over to the screen for the iopek examples and the rules possible nahi hai first hai root word first aapka hota hai root word root word aapko batayega guys root word batata hai indicate करता है कि आपके organic compound में कितने number of carbon atom हैं. राइट right. सो so, ये आपको बताता है नंबर ऑफ कार्बन एटम अच्छा इनके लिए भी वर्ड्स डिसाइडेड किए हैं पैक ने ऑलरेडी डिसाइड करके रखे हैं जैसे कि अगर एक कार्बन है तो आपको पता है कौन सा रूट वर्ड यूज करते हो आप मैथ दो कार्बन है तो एथ आप राइट right साइड पे स्क्रीन के देखिए बेटा मैंने आपके लिए एक लिस्ट लगाई हुई है सो यू विल गेट द इंटायर लिस्ट ऑफ द रूट वर्ड्स सो अभी आप इसका एक स्क्रीन शॉट लेके रखिए अदरवाइज दे आर अवेलेबल इन ऑल यू नो बुक्स ओके सो रूट वर्ड के बिना uh, you know, okay. so, कोई भी नाम आई का पॉसिबल नहीं है अब चलते हैं सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट पे दिस वॉज योर फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अब हम आते हैं सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द आई यूपेक नॉम क्लेचर सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रूट के साथ जैसे किसी शब्द के आगे आप कोई भी वर्ड लगाते हो तो आप कहते हो प्रीफिक्स राइट right? जैसे कि बोल्ड एंड बोल्ड राइट ब्यूटी फुल ब्यूटी फुल राइट सो यू कैन पुट अ वर्ड इन फ्रंट और यू कैन पुट अ वर्ड एट बैक ऑफ अ वर्ड टू एम्पलीफाई इट्स मीनिंग या फिर उसके मीनिंग को थोड़ा सा बदलने के लिए तो उसी तरह से जो रूट वर्ड है जैसे कि नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स के साथ आप एक सफिक्स लगाएंगे शब्द के बाद जो लगता है बच्चे उसको आप सफिक्स कहते हो राइट right? और पहला वाला जो सफिक्स होगा उसको हम कहते हैं प्राइमरी सफिक्स राइट और ये क्या बताएगा ये आपको बताएगा क्या आपके कार्बन चेन में सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो एन लगेगा डबल बॉन्ड है तो ईन लगेगा ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगेगा अगर ईन या आइन में से कुछ भी है तो एन लगाने की कोई जरूरत नहीं है अगर इन या आइन में से कुछ भी है तो आपको इन लगाने की कोई जरूरत नहीं है बट गाइज अगर इन और आइन दोनों है तो आपको दोनों ही लगाना पड़ेगा ठीक है और दोनों में से कुछ भी नहीं है तो आपको इन लगाना पड़ेगा अच्छा कई बार हमें पहला और दूसरा यानि कि रूट वर्ड और सफिक्स के साथ भी हम नाम बना सकते हैं जैसे कि मैंने एक सिंपल सा कंपाउंड लिखा बहुत सिंपल सा सी एच सी सी एच थ्री सी एच सी एच डबल सी एच टू Now, इसका क्या नाम होगा इसका नाम होगा नंबर ऑफ कार्बन एटम वन टू थ्री अगर आपने ध्यान से देखा होगा तीन कार्बन एटम को आप कहते हो प्रॉप अब हमें सफिक्स ऐड करना है आपको कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिख रहा है तो आप डबल बॉन्ड के लिए शब्द इस्तेमाल करेंगे इन। और इन पहली पोजीशन पे है आप अगर लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे तो पोजीशन सेकंड आएगी बट इसको हमेशा लोअर पोजिशन देनी है तो आप हमेशा राइट से स्टार्ट करेंगे तो वन यूजली लिखा नहीं जाता है बट आपको मैं फिर भी क्लियर करने के लिए लेट मी पुट वन प्रोप वन इन और जस्ट प्रोपीन और जस्ट प्रोपीन ठीक है ये तो रूट वर्ड और सफिक्स के साथ भी नाम बनता है अच्छा अब आप आइए थर्ड लेग पे कई बार क्या होता है गाइज यू विल सी

फंक्शन ग्रुप्स कोई भी एग्जाम्पल फंक्शन ग्रुप का फंक्शन ग्रुप के एग्जाम्पल्स होते हैं अल्कोहल अल्कोहल फंक्शन ग्रुप है अल्डीहाइट फंक्शन ग्रुप है एसिड फंक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड नाउ अगर ये फंक्शन ग्रुप होंगे अगर ये फंक्शन ग्रुप होंगे यानी कि अगर आपके कंपाउंड में ओ OH है सी एच ओ है एसिड के लिए आप क्या यूज करते हो सी ओ एच है सो so, स्टूडेंट्स अगर इनमें से इन इस तरह के फंक्शन ग्रुप्स होंगे तो इनके लिए आपको एक और नाम याद करना पड़ेगा तो आप राइट साइड पर देखिए मैंने ऑलमोस्ट ऑल पॉसिबल फंक्शन ग्रुप्स विथ देयर सफिक्स नेम आपको एक और कॉलम उसके साथ दिख रहा होगा प्रीफिक्स नेम का उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगी अभी आप सफिक्स नेम की तरफ देखिए जैसे कि आप देख रहे होंगे एन एच टू के लिए अमीन है सी ओ एच के लिए ओक है डीहाइट के लिए सी एच ओ के लिए अल है अल्कोहल के लिए ऑल है आप लिस्ट को देखिए आपको सारे दिखाई देंगे तो ये वर्ड्स आपको पता होने चाहिए ये वर्ड्स आपको प्लीज पता होने चाहिए इसके बिना आप नॉमेचर नहीं कर सकते हैं, राइट ओके सो इन तीनों को मिला के नाम बन सकता है इन तीनों को मिला के बड़ा सिंपल सा नाम बनेगा जैसे कि आप, आप ध्यान से देखें मैंने लिया सी एच ट्री सी एच सी एच सी ओ एच राइट और इसको मैंने पूरा सेचूरेट कर दिया अब क्या करना है आपने आप देखेंगे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है और फंक्शन ग्रुप भी है राइट right? सो so, आप फंक्शन ग्रुप को हमेशा लोएस्ट पोजिशन देंगे लोएस्ट पॉसिबल पोजिशन देंगे और अब वापस आप शुरू हो जाइए सबसे पहले आप वर्ल्ड रूट ढूंढिए क्या है आपके नाम की रूट आपके नाम की रूट है चार कार्बन देखिए मैंने चार लिखे हैं तो चार कार्बन के लिए आपने उस लिस्ट में देखा था आप नाम यूज करते हो ब्यूट कार्बन और कार्बन के बीच में बेटा डबल बॉन्ड नहीं है आप यह देखोगे कार्बोक्सिलिक के कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है ठीक है कार्बोक्सिलिक के कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है बट एन इन और आइन क्या बताता है कार्बन कार्बन का जो चेन है उसके डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की बात करता है तो कोई नहीं है तो सीधा आपने लगाया एन एन का ई आप नहीं लगाएंगे ओके मैं अभी लगा देती हूं एन का ई आप ड्रॉप करते हैं कब आप ड्रॉप करते हैं पहले आप इसका सफिक्स वर्ड ढूंढिए इसका सफिक्स वर्ड होता है ओइक एसिड ये फर्स्ट पोजीशन पे है तो मैं बाय डिफॉल्ट वन भी लिखती हूं हमेशा मैंने अपने स्टूडेंट को भी यही हैबिट दिया है कि बेटा वन पोजीशन पर मेंशन करो क्योंकि अगर आप वन पोजीशन मेंशन करोगे तो आपको सारी पोजीशन मेंशन करना याद रहेगा राइट right? ऑल्दो अगर आप वन पोजिशन नहीं लिखते आपका कोई आपका इट वोंट बी ट्रीटेड एज रॉन्ग आईपैक ने आपको ये लिबर्टी दिया है बट बेटा अगर आप वन लिखते हो तो आपको बाकी चीजें भी लिखना ध्यान रहता है तो ये हो जाएगा ब्यूटेन वन ओइक एसिड और छोटा सा एरर है उसको मैं अभी रिमूव कर देती हूं मैंने इन हटा ये हटा दिया ठीक है पहला जो लेटर लिया मैंने बी उसको मैंने अपर केस में लिखे लाइक like, जैसे आप अपना आप, नाम लिखते हो अपने फ्रेंड्स का नाम लिखते हो एंड यू स्टार्टड विद अपर केस तो ये आपका हो गया ब्यूटे नोए कैसेड अब इसमें क्या क्या चीजें यूज करी है आपने तीन चीजें यूज करी हैं पहला रूटवर्ड दूसरा प्राइमरी सफिक्स और तीसरा सेकेंडरी सफिक्स तो पहला और दूसरा तो हर जगह होना ही होना चाहिए मैंने बहुत बार देखा बच्चे एन ड्रॉप कर देते हैं गलती से उनसे ड्रॉप हो जाता है जैसे कि बहुत कॉमन एरर है बहुत कॉमन एरर मैंने अपने स्टूडेंट्स के साथ देखा है राइट right? जैसे मैंने आपको ये बॉन्ड लाइन बना के दिया इसमें कितने कार्बन एटम है वन टू थ्री फोर फाइव तो ये कीटोन है पांच कार्बन का मतलब है पेंट राइट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन थर्ड पे ओन क्योंकि कीटोन के लिए जो सफिक्स है वो ओन है लेकिन ये ई e ड्रॉप हो जाएगा अच्छा ये e में क्यों ड्रॉप कर रही हूं e इसलिए ड्रॉप करती हूं ई विल e हो गया दैट इज द वॉवल्स प्लस वाई अगर ये वर्ड होता है जब भी ये लेटर होते हैं तो आप ई e ड्रॉप कर देते हो राइट right? सो so, ये तो हो गए सिंपल अगर आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में मल्टीपल बॉन्ड है नहीं है और मेन फंक्शन ग्रुप है तो आप कैसे नाम करेंगे इसके लिए आपको एक चीज़ अभी तक याद होना बहुत ज़रूरी है जो फंक्शन ग्रुप्स के हैं उनके सफिक्स नाम क्या हैं वॉट आर द सफिक्स नेम्स वो आपके बहुत ज़रूरी होगा एल्कोहल के लिए ऑल एल्डिहाइड के लिए अल कीटोन के लिए ओन एसिड के लिए ओ तो ये बहुत ज़रूरी है ये बहुत बहुत जरूरी है और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स हैं जैसे कि हेलो जैसे कि नाइट्रो जैसे कि ईथर इनका कोई भी सफिक्स नेम नहीं है दे डोंट हैव अ सफिक्स नेम जब भी ये नाम में आएंगे इनका प्रीफिक्स नेम होगा इनके नाम के बाद एल्केन लगेगा ठीक है अभी हम आते हैं तो आई होप एक बार फिर से मैं आपको वापस स्क्रीन के पास लेके जाती हूं ऊपर फ्लो चार्ट में वन टू एंड थ्री आर क्लियर ठीक है अब हम आते हैं नेक्स्ट पे नाम के पहले क्या लगता है लाइक फॉर एग्जाम्पल माई नेम सी माई नेम इज डॉक्टर आभा सिंह ठीक है तो इसको तो आप समझ लीजिए ये किसका कॉम्बिनेशन है ये रूट और रूट और एन इन आइन का कॉम्बिनेशन है ठीक है इसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता सिंग ऑप्शनल होता है कई बार होता है कई बार नहीं होता आजकल बहुत मॉडर्न तरीके में लोग सर नेम लगाते ही नहीं है राइट सो so, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है तो आपको यहां पर फंक्शनल ग्रुप का क्या लगाना पड़ेगा सफिक्स नेम लगाना पड़ेगा और नहीं है तो बहुत अच्छा आगे चलिए अच्छा अब आप आइए आगे जो चीजें लगती हैं प्रीफिक्स जो लगते हैं अब हम उनकी बात करते हैं ठीक है so, सो हम दो प्रीफिक्स की बात करेंगे वापस आपको मैं फ्लो चार्ट पे लेके चलती हूँ गाइस सो हियर वी गो दिस इज माय फ्लो चार्ट और अब हम बात करते हैं नंबर फोर की डेलीबरेटली मैं आगे लिख रही हूँ ताकि आपके दिमाग में पिक्चर बनी रहे नंबर फोर की ना नंबर फोर क्या है नंबर फोर बहुत कम यूज होता है ये है प्राइमरी प्राइमरी आई एम सॉरी अबाउट दिस ऑटो करेक्ट है ना आई होप इट इज अंडरस्टूड सो ये है प्राइमरी प्रीफिक्स राइट प्राइमरी प्रीफिक्स में सिर्फ एक ही ऑप्शन है अगर आपका साइक्लिक कंपाउंड है अगर आपका साइक्लिक कंपाउंड है तो एक प्रीफिक्स लेटर आप वर्ड यूज करते हो साइक्लो तो बेटा आई होप इट इज क्लियर कि जो नंबर फोर है ये वाला जो प्रीफिक्स है ये सिर्फ साइक्लो कंपाउंड के लिए होता है और अगर ए साइक्लिक आपका साइक्लिक uh, कंपाउंड नहीं है तो ये नहीं लगेगा सिंपल अब आइए आप मोस्ट इंपॉर्टेंट फिफ्थ पे अब आप आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज फिफ्थ आपने जनरल क्लास सुना हुआ है ठीक है एक होता है स्पेशल क्लास है ना और एक होती है बच्चों जनरल क्लास जो कहीं नहीं फिट होते ना उनको हम जनरल क्लास में डाल देते हैं बस हमारी ये जनरल क्लास शुरू हो गई है नंबर फाइव नंबर फाइव इज योर जनरल क्लास इसको आप कहते हो लोकेंट्स इसको आप कहते हो सबसीटूंट्स और कई बार आप कुछ ऑल दो फॉर्मल नेम तो यही है कई बार आप कहते हो जो साइड चेन लगी होती हैं आपकी साइड चेन्स लगी होती हैं या जो आपके एल्किल ग्रुप्स लगे होते हैं आप समझ गए या बच्चों बहुत सिंपल सी बात है जिन चीज़ों को आप वन टू थ्री में नहीं ले पाए हो उसके अलावा जो भी बचता है वो आपका लोकेंट बन जाता है बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा वो आपका लोकेंट बन जाता है अब लोकेंट में क्या है लोकेंट के भी बहुत सिंपल रूल्स होते हैं जैसे कि आ, सबसे पहले तो ऊपर लेफ्ट साइड पे स्पेस नहीं थी तो मैंने यहां पे आ गई हूं फिफ्थ लोकेंट्स लोकेंट्स आपने कहा उसको सब्सिट्य भी बोलते हैं फ्लो चार्ट पे लेफ्ट पे स्क्रीन नहीं जा रहा था सो मैं ये फिर से लिख रही हूं सब्सिट्यूट्स या फिर जो आप साइड चेन बोलते हो और जो भी नंबर वन वर्ल्ड रूट एनी नाइन और सेकेंडरी सफिक्स ऑल अल, अल ओ एक एक्सेट्रा में अकोमोडेट नहीं हो पा रहा है अगर ये अकोमोडेट हो गए हैं तो इनको फिर से बोलने की जरूरत नहीं है उसको हम लोकेंट्स लेते हैं जैसे एक बहुत सिंपल सा नाम मैंने लिया मैंने लिया सी एच थ्री सी एच सी एच थ्री सी एच सी एच सी एच ओ राइट ओके अब मैं सेचूरेट कर दूंगी यहां पे दो और देख लीजिए कोई हाइड्रोजन की एरर ना हो अगर कोई एरर है नहीं कोई एरर नहीं है चलिए जी अब आप देखिए यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ घोटाला है क्या गड़बड़ घोटाला है गाइस आपको एक तो दो फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहा है ये पहला फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहा है और ये दूसरा फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहा दिस इज एफ वन फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप एफ टू दोकेंड फंक्शन ग्रुप पहले तो वी हैव टू गेट इट सॉर्टेड जो आपके आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें जो मेन फंक्शनल ग्रुप है जो मेन फंक्शनल ग्रुप है जिसका आप जिसका आप नाम सेकेंडरी सफिक्स में नाम के पीछे जोड़ते हो याद आ रहा है ऑल अल ऐसा सिर्फ एक ही हो सकता है तो ये कैसे डिसाइड करें यहां पे तो दो हैं तो इनमें से कौन सा आपको लेना है ये आप डिसाइड करोगे प्रीफरेंस सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप जस्ट लुक एट द functional group guys look at the top right side of the screen you will see a list down right <coughs> you will see a list and this list shows the symbols of all possible functional groups and there is a greater than less than sign now watch that shows this if you follow the list it shows the dominance of carboxylic acid just see then you will see the derivatives Yes, sub derivatives ester yeah acid anhydride and राइट right? और ये सारे डेरिवेटिव्स होते हैं इसके बाद आप देखोगे नाइट्राइल है इसके बाद आप देखेंगे अल्डीहाइड है कीटोन है आप लिस्ट देख लीजिए आई थिंक आई डोंट नीड टू राइट इट अगेन राइट और उसके बाद आप देख रहे हैं फिनॉल है अल्कोहल है अमीन है राइट नाओ वॉट वी यू दिस लिस्ट विल हेल्प अस अगर आपके पास आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है जैसे कि मेरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में है पहला फंक्शनल ग्रुप ये है और दूसरा फंक्शनल ग्रुप ये है राइट सो ऐसे में मुझे क्या करना पड़ेगा ऐसे में मुझे किसी एक को मेन फंक्शन ग्रुप मानना पड़ेगा बेस्ड ऑन द प्रायरिटी सीरीज प्रायोरिटी सीरीज जो है वो रिएक्टिविटीज के बेसिस पे बनी हुई है राइट right? सो so, अब आप देखिए आपको पता है अल्डीहाइट की प्रायोरिटी ज्यादा है तो अब हमारा ये सी है ये मेन फंक्शन ग्रुप हो जाएगा और इसका जो वर्ड अल है वो आपको एज अ सेकेंडरी सफिक्स यूज करना पड़ेगा ना वट टू डू विद ओ तो क्या हम ओ एच का को ऑल करके यूज करें या फिर इसका कोई दूसरा नाम होगा क्योंकि गाइस ये बहुत एरर होती है बच्चों की ओ एच इज नॉट द मेन फंक्शन ग्रुप इट इज अ लोकेंट जो भी मेन फंक्शन ग्रुप नहीं है वो लोकेंट बन जाएगा और जब ये लोकेंट है तो ये बाकी लोकेंट्स की तरह ट्रीट होगा राइट right? और आपकी जो नंबरिंग होगी वो सारा का सारा ध्यान नंबरिंग में किसका करा जाता है मेन फंक्शन ग्रुप का और अगर कोई ऑप्शन है कि आप मल्टीपल बॉन्ड्स हैं उनको भी लोअर नंबर दे सके मेन फंक्शन ग्रुप के साथ डेफिनेटली यू विल डू दैट आल्सो तो अब मैंने क्या किया ध्यान से देखिएगा मेरे कंपाउंड की नंबरिंग होंगी वन टू थ्री फोर फाइव तो मैं इससे लंबी चेन नहीं बना सकती मैंने लॉन्गेस्ट चेन यही लिया है तो फाइव का मतलब है कितने फाइव का मतलब है पेंट वर्ल्ड रूट इज पेंट तो सबसे पहले मैंने पेंट लिख दिया अब देखिए एन इन कहीं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है नहीं है तो so, मैंने एन लिखा एन का मैं डेलीबरेटली ई ड्रॉप कर रही हूं और जो सफिक्स नेम है वो अल है तो पेंटेन वन अल ये तो नाम पूरा हो गया अब इसमें जो जो अकोमोडेट नहीं हो पाया ना उसको आप किस में लेंगे एज अ प्रीफिक्स लेंगे साइक्लोथोम तो यूज ही नहीं कर रहे एज अ प्रीफिक्स लेंगे तो प्रीफिक्स में अब आप देखिए कौन कौन है आपके पास आपके पास थर्ड पोजीशन पे ओ OH है फोर्थ पोजीशन पे सीएसट्री है सीएसट्री एक एल्काइल ग्रुप है जिसका नाम मिथाइल है ठीक है इसके इसमें भी एक लॉजिक होता है कैसे एल्किल ग्रुप्स का नाम रखा जाता है डेफिनेटली विल टॉक अबाउट इट वन डे एंड ओ का जो नाम है वो आपको मैंने देखी फिर से वही वाली लिस्ट मैंने आपके सामने कर दी है इसमें जो प्रीफिक्स के नाम लिखे हुए हैं ओ के लिए क्या लगा हुआ है हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी किससे स्टार्ट होता है गाइस हाइड्रोक्सी एच से स्टार्ट होता है राइट हाइड्रोक्सी एच से स्टार्ट होता है और सी एच थ्री का मिथाइल एम से स्टार्ट होता है ठीक है तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा आपका तीन पे हाइड्रोक्सी है चार पे मिथाइल है तो पहले आप किसको लिखेंगे हाइड्रोक्सी को लिखेंगे सो so, यहां पर मैं लिखती हूं देर इज लिटल जस्ट लेट मी जस्ट पुट दिस सी एस थ्री एट द टॉप यहां पे लिख देती हूं ये सी एस ट्री हो गया नाउ आई हैव अ स्पेस सो गाइज वट आई बी डूइंग इज थ्री पे हाइड्रोक्सी आप चाहो तो इसको अपर केस में लिख सकते हो फिर आगे, आगे आप कभी भी केस कहीं पे भी लोअर केस स्टार्ट कर दोगे और फोर पे क्या है मिथाइल ऐसा क्यों हमने किया ओके और यहां से ये यह ज्वाइन कर देंगे इस प्लेस नहीं मैंने ज्वाइन यहां पे कर दिया स्पेस देना नहीं चाहिए था क्योंकि सब सिंगल नेम है तो थ्री हाइड्रोक्सी फोर मिथाइल पेंटेन वन अल नाउ गाइस प्लीज रिमेंबर ये बहुत ध्यान रखने की बात है कि ये वाली जो नंबरिंग है ना थ्री और फोर ये नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से करी हुई है लेकिन ये जो अरेंजमेंट है पहले तीन पहले हाइड्रोक्सी लिखा फिर मिठाई लिखा ये अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट देखा है आप पहले फोर भी लिख सकते थे आप पहले फाइव और बाद में टू भी लिख सकते थे अगर अल्फाबेट उसी हिसाब से आते आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना होता है ठीक है हम एक और आ, इसका करते हैं एग्जाम्पल ओके सो लेट एस डू वन मोर एग्जाम्पल सी एस ट्री सी एच एंड ये मैंने लगा दिया सी एच ओ सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी ओ ओ एच चलिए मैं यहाँ पर एक और थोड़ा सा चेंज और करते हैं यहाँ पर भी मैं एक ग्रुप लगा देती हूँ ठीक है यहाँ पर भी मैं एक ग्रुप लगा देती हूँ सी एस थ्री सबसे पहले हमें सबसे लंबी चेन ढूंढनी है लेट एस स्टार्ट वन क्यों मैंने वन किया क्योंकि मेन फंक्शन ग्रुप हमेशा हमेशा सबसे कम नंबर पे आता है टू थ्री फोर फाइव पांच से ज्यादा कार्बन की चेन बनी नहीं सकती है पांच से ज्यादा कार्बन की चेन बनी नहीं सकती है ठीक है तो ये हो गई कार्बन की चेन ओके फाइव सो आपका जो रूट वर्ड होगा वो क्या होगा वो होगा pent, राइट right? अब आप देखिए एन सेकेंड पोजीशन पे in है तो एन लिखने की कोई जरूरत नहीं है सेकेंड पोजीशन पे आपने इन लिखा और हमेशा ध्यान रखिएगा जब आप नंबर और लेटर लेटर मतलब अल्फाबेट अल्फाबेट और नंबर के बीच में हमेशा हाइफन आता है और नंबर और नंबर के बीच में हमेशा कॉमा आता है ठीक है सो पेंट टू इन और वन पे क्या होगा ओ एक और फिर आप गैप देंगे और लिखेंगे एसिड हमने पूरा नाम लिख लिया सिर्फ अभी हमने लोकेंट्स का ध्यान नहीं रखा है अब हम लो, लोकेंट्स को लेते हैं लोकेंट्स को अगर आप देखेंगे तो आपके पास एक लोकेंट है सीएचओ और एक लोकेंट है आपके पास मिथाइल ठीक है अब आप अगर अपनी लिस्ट को देखेंगे तो सी एच ओ को आप कहते हो फॉर्मिल सीएचओ को आप कहते हो फॉर्मिल सीएचओ को ऑक्सो भी कहा जाता है राइट साइड पर आई बटन है आप चाहे तो आई बटन पर क्लिक करके फॉर्मिल और का वीडियो देख के वापस इस वीडियो पे आ सकते हैं दैट्स अ वेरी गुड एक्सप्लेनेशन विच हैज बीन गिवन इन दैट वीडियो नहीं तो आप बाद में भी देख सकते हैं अभी के लिए आप समझ लीजिए ये जो है ये आपका फॉर्मुल कहलाएगा ठीक है तो फोर पे फॉर्मुलर फोर पे मिथाइल है तो मैं पहले क्या लिखूंगी मैं पहले फॉर्मुल लिखूंगी क्योंकि एफ क्या आता है अल्फाबेटिकली पहले आता है और फोर पे मिथाइल और पेंट टू इन वन ओइक एसिड राइट अच्छा सो ये कई बार बच्चे मुझसे ऐसे कहते हैं कि मैम अब हमें जब लोकेंट्स डिसाइड हो जाते हैं और लोकेंट में कोई फंक्शन ग्रुप है जैसे कि आप यहाँ पे देखें एक बड़ा इंटरेस्टिंग है इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है आप काउंटिंग स्टार्ट करना चाहेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स बट ये गलत है ये गलत है ऐसा क्यों ऐसा इसलिए है क्योंकि जो मेन फंक्शन ग्रुप आपका है यहां पर वो है अल्डिहाइड। जो मेन फंक्शन ग्रुप आपका है वो यहां पर है अल्डिहाइड। और ये एक टर्मिनल फंक्शन ग्रुप है ये एक टर्मिनल फंक्शन ग्रुप है टर्मिनल फंक्शन ग्रुप का मतलब है ऐसे फंक्शन ग्रुप जो कॉर्नर में आते हैं सारे एसिड डेरिवेटिव्स, सारे एसिड और इसके जो डेरिवेटिव्स हैं ठीक है ठीके? और सी एन और सी एन नाइट्राइल सी एच ओ ये सभी के सभी टर्मिनल फंक्शन ग्रुप है यह जहां पे होंगे आप काउंटिंग वहीं से स्टार्ट करोगे अगर ये मेन फंक्शन ग्रुप है अगर ये मेन फंक्शन ग्रुप है पिछले वाले हमने काउंटिंग यहां से क्यों नहीं स्टार्ट की क्योंकि वो मेन फंक्शन ग्रुप नहीं था राइट right? हमने सी से स्टार्ट की तो अब आप आ जाइए तो अब हमें काउंटिंग कहां से स्टार्ट करनी पड़ेगी काउंटिंग हमें यहीं से स्टार्ट करनी पड़ेगी वन टू अब आप देखिए अगर आप राइट साइड पर जाएंगे तो चेन छोटी है लेकिन लेफ्ट साइड पर चेन बहुत बड़ी है ये आपकी चेन होगी ठीक है सो so, आपकी जो आपका मेन कंपाउंड है उसमें पांच कार्बन है ठीक है सो so, वो हो जाएगा पेंट वो हो जाएगा पेंट ठीक है और कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है सो so, पेंटेन और वन पे अल पेंटेनल ठीक है अब आप देखिए गाइस आपका कौन कौन से लोकेंट है सेकेंड पोजीशन पे इथाइल है सेकेंड पोजीशन पे इथाइल है थर्ड पोजीशन पे मिथाइल है फोर्थ पोजीशन पे हाइड्रोक्सी है ये पोजीशन हम चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये पोजीशन फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से हमने डाली है बट हम क्या कर सकते हैं डेफिनेटली जब हम इनको लिखेंगे तो इनको अल्फाबेटिक ऑर्डर और में लिखेंगे पहले ई e आएगा फिर एच आएगा और फिर एम आएगा तो आप कैसे लिखेंगे गाइस स्पेस थोड़ा कम है तो मैं थोड़ा छोटा लिखती हूं तो टू पे अगर आप यहां कैपिटल लिखना चाहें तो आप पेंटेनॉल का पी छोटा कर सकते हैं नहीं तो आप स्मॉल भी कर सकते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है टू इथाइल फोर हाइड्रोक्सी थ्री मिथाइल पेंटेन वन ऑल राइट सो ये आपका हो जाएगा ऊपर वाले स्ट्रक्चर का आईओपेक नेम सो आई होप आपको ओपन चेन स्ट्रक्चर्स में कैसे आपको बेसिक रूल्स के साथ आप किसी भी कंपाउंड का आई पैक लिख सकते हैं गाइस हमेशा आप यही सीक्वेंस फॉलो करिए पहले रूट वर्ड को ढूंढिए फिर ए नाइन को ढूंढिए और फिर फंक्शनल ग्रुप को ढूंढिए पहले आप पीछे वाला पार्ट लिखिए फिर आप प्रीफिक्स की चिंता करिए ठीक है ठीके? बच्चे क्या होते हैं पूरा का पूरा एक साथ लिखना चाहते हैं और फिर एरर करते हैं यू हैव गॉन थ्रू ऑल द टाइप्स ऑफ रूट वर्ड्स यू हैव गॉन थ्रू द टाइप ऑफ Yes, uh, primary suffix, and you've gone through the entire list of secondary suffix list. Also, I think you're updated about the preference series. Or next video, please, 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 preference series. So, you can't remember preference series. at least you can start with acid, acid derivatives, nitride, aldehyde, ketone, right? Uh, then your phenol, alcohol, amines, double bond, triple bond. एंड देन कम्स यूर लोक एंड तो इतना मुश्किल नहीं है लेकिन ये थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए तो वंस यू गो थ्रू दिस एंड आई एम श्योर द कमिंग वीडियोज़ आर गोइंग टू बी मोर मीनिंग फुल टू यू ओके सो ट वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ आई यू पेक टेक केयर स्टे ब्लेस्ट बाय